अनंत कार्य चरम तीर्थपति तरण तारणहार देवादिदेव परमात्मा महावीर जिनका शासन हमको प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने वितरागता प्राप्त करने के बाद सबसे पहला काम शासन स्थापना का किया। शास्त्र में ऐसी बात बताते हैं कि तीर्थंकर देव वितरागता प्राप्त करने के बाद निष्क्रिय बन जाते हैं। इंटेंशनली कोई भी काम तीर्थंकर देव करते नहीं, समय के हिसाब से जो काम चलते रहते हैं उस काम को तीर्थंकर देव न्याय दे देते हैं, लेकिन उसमें परमात्मा ने और सब तीर्थंकर देवों ने वितरागता प्राप्त करने के बाद तीर्थंकर नाम कर्म का उदय के साथ जिन शासन की स्थापना का एक काम सक्रियता के साथ करते हैं। क्यों परमात्मा ने जिन शासन की स्थापना क्यों किया, क्या जरूरत थी? तो परमात्मा को अभी कुछ पाने का बाकी नहीं था, सब मिल गया है। अभी सीधा मोक्ष में परमात्मा की आत्मा जाने वाली है, फिर भी परमात्मा ने वितरागता प्राप्त करने के बाद जिन शासन की स्थापना किया और जिन शासन की स्थापना करने के बाद प्रभु ने इस जिन शासन को चलाने के लिए जैन संघ बनाया। और इस जैन संघ, एक बात फिर से समझ लो, इधर मैं स्पष्टता कर दूं, परमात्मा ने सिर्फ धर्म कहा था, पीछे से हमने जैन शब्द लगाया। अब प्रभु ने क्या कहा था? धर्म कहा था। धर्म मीन्स क्या? जो आप लोग करते हो वो धर्म, वो तो सब सिंबल है। धर्म वो नहीं है, वो तो सिंबल है। ललाट के ऊपर तिलक करना वो सिंबल है, और सिंबल जरूरी है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि सिंबल के बिना भी काम चल सकता है, नहीं, लेकिन ये सब सिंबल है। धर्म मीन्स क्या? कुछ आपके पास उसका रिप्लाई हो तो मुझे चाहिए। किसी को हानि नहीं पहुंचाना, और आत्मा की जागृति, बराबर। चलो चलो, बराबर, चलो आगे आगे आगे। कौन बनेगा करोड़पति? ABCD आत्मा का कल्याण। आत्मा का कल्याण। बराबर, चलो आगे 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 आगे। ये सब बातें क्या है पता है आपको? स्टीरियोटाइप है, सुना है और बोल देते हो, सुना है और बोल देते हो, उसमें कोई सोच नहीं है। इट इज नॉट थिंकिंग प्रोसेस, इट इज नॉट फीलिंग। हाँ, ये सब हमने सुना है, सभी जीव करो शासन रसी, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, आत्म कल्याण को प्राप्त करना, ये सब सुना है। नहीं, धर्म सुनी हुई चीज नहीं होती है, धर्म तो अनुभव की हुई चीज होती है। ऑस्ट्रेलिया में पकी हुई सब्जी कैसी है? अब सुनी हुई चीज का जवाब दे देंगे। ऑस्ट्रेलिया में पकी हुई सब्जी का नाम वो है, अनुभव नहीं है। हाँ, लेकिन भिंडी कैसी है, किसको भिंडी कहते हैं? दैट यू हैव अ एक्सपीरियंस, यू हैव अ फीलिंग, वो आपके पास फीलिंग है। और एक बात समझ के रखो, धर्म कोई अभिप्राय का तत्व नहीं है, धर्म अनुभव का तत्व है। हाँ, एक अभिप्राय होता है, एक अपने स्टेटमेंट होते हैं, और एक अपने खुद का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। और ये अनुभव का स्तर वो धर्म है। धर्म कोई आपकी डेफिनेशन के साथ चलता है वो ठीक है, अनुभव में से निकली हुई डेफिनेशन है, परिभाषा है, और इस परिभाषा को लेकर धर्म चलते हैं। इसलिए प्रभु ने
धर्म कहा, मीन्स परमात्मा ने क्या कहा, खुद का अनुभव कहा, खुद का अनुभव। 12.5 साल की साधना किया और ये साधना करने के साथ परमात्मा ने जो फीलिंग्स प्राप्त की, संवेदना प्राप्त की, फीलिंग्स, एक लड़की शादी करती है, संसार शुरू होता है, मां बनती है, प्रेगनेंसी चलती है और वो प्रेगनेंसी के समय में मां बनने वाली लड़की स्त्री बनने के बाद जिस संवेदना को प्राप्त करती है, फीलिंग्स, अभी मां बनी नहीं है लेकिन बाप बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है और तैयारी शुरू होने के साथ जो उनकी अंतरात्मा में एक फीलिंग्स प्रकट होती है, मेरा आने वाला बालक कैसा होगा, कैसे उनको मैं बड़ा करूंगी, कैसे मैं उनको संभालूंगी, और ये सब एक बार समझ के रखो, वेदना बर्दाश्त हो जाती है क्योंकि संवेदना, हाँ संवेदना, हमारी संवेदना के हिसाब से वेदना मंजूर हो जाती है। प्रभु के पास पीछे कुछ काम चलता है? नहीं नहीं, काम बन जाए तो बातें कौन करते हैं? बातें तो समय करने वाले को बोल देना, एक घंटा कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, और ये संवेदना जो है, जिस संवेदना को परमात्मा ने 12.5 साल की गौर साधना के समय में अनुभव किया, अनुभव किया, आप कल्पना कर सकते हो चंड कौशिक का डंक को परमात्मा ने झेल लिया, वाय ये वेदना थी। हाँ, कोई चंड कौशिक का डंक सहन करना और वेदना को झेलना वो कोई आसान बात नहीं थी, आंख में से आग निकल रही थी और आंख की आग ने महावीर को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए चंड कौशिक ज्यादा आवेश में आया। शिकारी का शस्त्र जब फेल होता है तब शिकारी ज्यादा गुस्सा में आता है, फेल होता है, गुस्सा में आने वाले आप किसी को चिल्लाते हो लेकिन सामने वाला इंसान आपके चिल्लाहट के सामने हंसता है तब आपका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा रिप्लाई कोई करते नहीं है और ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि शिकारी का शस्त्र फेल हुआ है और जब शिकारी का शस्त्र फेल होता है तब आवेश ज्यादा आते हैं और चंड कौशिक आंख में से आग छोड़ रहा था लेकिन परमात्मा का दिव्य ताकत थी, जबरदस्त सामर्थ्य परमात्मा के पास था कि जिस सामर्थ्य की वजह से आंख की आग महावीर को कुछ नहीं कर पाए, स्टिल स्टैंड महावीर खड़े थे, अपान मोसरा नजर के समक्ष लाओ, ये परमात्मा का पोस्टर को नजर के समक्ष लाओ, कैसे परमात्मा खड़े थे, क्या सामर्थ्य के साथ खड़े थे और कितना जबरदस्त परमात्मा के पास चंड कौशिक के प्रति का प्यार होगा, करुणा होगी, संवेदना होगी कि जिस संवेदना के साथ चंड कौशिक के करीब में परमात्मा खड़े हो गए। ये सब कहानी सुनने की नहीं है, ये सब कहानी समझने की है और इसलिए ही मैं इधर आया हूं। कल से नौपद भगवान की आईमिल की ओली का आरंभ हो रहा है, शाश्वत धर्म की आराधना और इस शाश्वत धर्म की आराधना नवबद भगवान की जैन इतिहास में श्रीपाल और मैणा ने किया है, बहुत लोगों ने किया, बहुत कोई नवपद की आराधना
इधर भी बहुत लोग करते हैं, तो श्रीपाल और मैणा को क्यों एस्टैब्लिश किया? और नौबत भगवान का मार्केटिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में श्रीपाल मैणा को अपॉइंट किया? हाँ, जो जो कुछ भी नौबत की प्रोडक्ट है, नौबत से कुछ मिलता है। हाँ, नौबत इज वन टाइप ऑफ इंडस्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें से प्रोडक्ट होता है। हाँ, और इस प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन का ब्रांडिंग कौन कर रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्रीपाल और मैणा है। श्रीपाल और मैणा कल्याण ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर बच्चन परिवार था। हाँ, जितनी भी ब्रांचेस कल्याण ज्वेलर्स की खुलती थी उधर अमिताभ बच्चन का फैमिली पहुंच जाता था और उसका ब्रांड एम्बेसडर वो थे। हाँ, वो थे और उसके हिसाब से चलते रहता था। होता है वैसा नौबत की कुछ प्रोडक्ट है और इस नौबत की प्रोडक्ट को जगत में बनाने, बताने के लिए, दिखाने के लिए उसका ब्रांडिंग और उसका एम्बेसडर श्रीपाल और मैणा को जैन शासन ने अपॉइंट किया है। क्या था श्रीपाल और मैणा के पास? आवाज चलेगा तो व्याख्यान नहीं चलेगा मेरा, मुझे बहुत एलर्जी है। भाई साहब उधर जाके बातें करते हैं, मैं ये सब अशिष्ट चलाता नहीं हूं। इस मामले में मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं। सुनना हो तो शांति से सुनो, नहीं सुनना हो तो मत आओ। और मैं इसलिए मैं बताता हूं, मुझे आपको ये करना है, अपने पास ये श्रीपाल और मैणा एकदम सामान्य कपल थे, कोई उसमें श्रीपाल और मैणा में कोई विशेषता नहीं थी। क्यों नौबत भगवान ने, जिन शासन ने श्रीपाल और मैणा को समग्र नौबत भगवान का ब्रांडिंग करने के लिए अपॉइंट किया, और श्रीपाल और मैणा को भगवान महावीर के शासन में होने वाले कैरेक्टर नहीं है, बहुत पुराने 11 लाख साल पुराने श्रीपाल और मैणा है, और 11 लाख साल पुराने श्रीपाल और मैणा के, जिस श्रीपाल और मैणा ने अपने जीवन में जो नवगत भगवान को आत्मसात किया और इस नवगत भगवान को जगत के समक्ष श्रीपाल और मैणा प्रसिद्ध करते हैं, इसलिए ही इस नवगत भगवान के जो शाश्वत धर्म के आराधना के पर्व के दिन है, उस दिनों में श्रीपाल और मैणा का जीवन को लेकर ही मैं कुछ बातें बताऊंगा। विनय विजय जी महाराज ने आज से 340 साल पहले, इसके बाद मैं कल थोड़ा विस्तार से आपके समक्ष लूंगा, आज तो अपना यह मांगलिक प्रवचन है, इनोग्रेशन सेरेमनी है आज, और सिर्फ आज तो गेट टुगेदर है, और कल से हम अपनी दुकान बराबर चालू कर देंगे, और 1.5 घंटे का समय मुझे चाहिए जिसमें संगीत के साथ विनय विजय जी महाराज ने श्रीपाल और मैणा का जीवन को रास की परिभाषा में, रास की शैली में बनाकर जगत के समक्ष रखा है, गुजराती भाषा में, जैन संघ की भाषा 300 साल से गुजराती चल रही है। हाँ, जैन संघ की एक भाषा है, इस्लाम की भाषा उर्दू है, बाइबल की भाषा ग्रीक है, बाद में इंग्लिश आई, ओरिजिनल बाइबल ग्रीक में था। हाँ, इसलिए बाइबल की भाषा ग्रीक है। वैसे पुराने समय में जैन धर्म की भाषा परमात्मा की उपस्थिति में मांगती थी, बाद में संस्कृत आई, बाद में प्राकृत आई, अभी जैन संघ की भाषा गुजराती। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आपको जैन धर्म को जानना हो तो गुजराती पढ़ना पड़ेगा,
हिंदी में जैन धर्म का इतना साहित्य नहीं मिलता है जितना गुजराती में प्राप्त होते हैं। और ये जैन धर्म की परिभाषा को लेकर विनय विजय जी महाराज ने 11 लाख साल पुरानी जो शिवपाल और मैना की कहानी संस्कृत और प्राकृत भाषा में थी, उस संस्कृत और प्राकृत भाषा में से ट्रांसफर करके, ट्रांसलेट करके गुजराती भाषा में रास की शैली में संगीत के साथ घर घर में चले, लोगों के मुंह के ऊपर आ जाए और लोग सब शिवपाल और मैना की कहानी को अपने दिमाग में चलाते रहे, इसलिए गुजराती भाषा में करीब करीब 800 श्लोक का ये 800 कथाओं का ये पूरा रास बनाया है। 9 दिन में वो 800 या 800 कथाओं का विवेचन नहीं हो सकता है। 3-3 घंटे का अपने पास समय हो तो अपन कर सकते हैं, और आप लोग तो बहुत बिजी लोग हो, 1.5 घंटा भी आपको निकालना बहुत कठिन है। आज तो मुझे लाना था और नीचे नौकरशी रखी है, इसलिए आप लोग इधर बैठे हो, बराबर। ये आपकी क्रेडिट है, आपका ब्लेम है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ये क्रेडिट या ब्लेम आराधना भवन वाले के लिए? मुझे जानना है, आज मैं नया हूं इसलिए आपको पहचानता नहीं हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि नौकरशी है इसलिए आप इधर बैठे हो? हाँ दिनेश भाई, मैं कह सकता हूं? मोतीलाल जी क्या है? नहीं कह सकते, इसमें कल आएंगे सब, बराबर ना? कल आएंगे तो मैं कहूंगा कि नहीं, नौकरशी के बिना भी बैठते हैं। नहीं तो वापस हाँ, नहीं तो कल बोल सकता हूँ मैं कि नौकरशी के हिसाब से ही आए थे, और ये संघ के प्रेसिडेंट मोतीलाल जी है कि जिसको नौकरशी के बिना बुलाना कठिन है। बुलाना कठिन है। और एक बात समझ के रखो, विजय भी कैप्टन का होता है, पराजय भी कैप्टन का होता है। क्रेडिट भी कैप्टन को मिलती है और निगलेंसी भी कैप्टन को मिलती है, इसलिए कैप्टन की इज्जत को बचाने की जिम्मेदारी पूरी टीम की है। और यदि कैप्टन की इज्जत टीम नहीं बचा पाई तो मैं कैप्टन को रिक्वेस्ट करूंगा, रिजाइन हो जाओ। क्या होना, जिस टीम को कैप्टन की क्रेडिट का पता नहीं है और जिस टीम कैप्टन की क्रेडिट को संभालने के लिए इतनी ऑनेस्ट नहीं है, उस टीम का कैप्टन क्या बनना? मैं तो ऑरेटर हूं, मैं कैप्टन नहीं हूं। हाँ नहीं हूं मैं कैप्टन, मुझे तो आपने बुलाया है चीफ गेस्ट के रूप में, और इसलिए मैं आया हूं। अभी बॉल आपकी कोर्ट में है, हाउ टू प्ले इट्स अपॉन यू। कल मैं देखूंगा। और एक बात समझ के रखो, मेरी आंखों में वीडियो है, कौन नहीं आया अपने आप पता लग जाएगा सीधा, मुझे तुरंत पता लग जाएगा, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। एक ही बार मेरी नजर घूमती और सब वीडियो मैं क्लिक कर देता हूं, ऑलरेडी वो सब सेव हो गया, सेव हो गया। अभी 5 साल के बाद आप आएंगे तो भी सीधा मैं बता दूंगा कि आप आराधना भवन के हो। इस वीडियो को वायरस लगता नहीं, करप्ट होता नहीं, डैमेज होता नहीं है, इसलिए मेरा वीडियो मेड इन जिनशासन है, जिसमें कभी वो पुराना नहीं होता है, ऑलवेज ब्रांड न्यू, 4K में ही चलता है। इसमें इसलिए आप ऐसा मत समझना कि महाराज को क्या पता लगने वाला है, इधर 150, 200, 300 लोग बैठे हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे तो महाराज को क्या पता लगेगा। मैं टाइम के साथ आपको कह दूंगा कि आप 9:20 को आए थे, 9:35 को आए थे, इतना मेरा अपडेट रहता है।
और इसलिए ऐसा मत समझना कि पाठ के ऊपर बैठने वाले सब आउट ऑफ डेट होते हैं, संपूर्ण अपडेट होते हैं, नॉट आउट ऑफ डेट, अपडेट। मुझे आपको यह कहना है, श्रीपाल और मैणा बहुत अद्भुत कपल है और उनको लेकर यदि नौपद भगवान की बातें जैन शास्त्रकारों करते हैं तो श्रीपाल और मैणा में कुछ होगा। सामायिक बोलते हैं और पुणिया याद आ जाते हैं, महावीर बोलते हैं और सुलसा याद आ जाती है, विनय बोलते हैं और गौतम याद आ जाते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं और स्थूलभद्र याद आ जाते हैं, संयम बोलते हैं और धन्ना अंगार याद आ जाते हैं, हाँ और आदर बोलते हैं महाराजा श्रेणिक याद आ जाते हैं, श्रावक बोलते हैं आनंद कामदेव याद आ जाते हैं, नौपद बोलते हैं श्रीपाल मैणा याद आ जाते हैं। हाँ, क्या था? कैसी ताकत के साथ कॉमन लाइफ जिए और उस कॉमन लाइफ में से क्या मैसेज प्राप्त होते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं श्रीपाल और मैणा नॉट फॉर मेड फॉर ईच अदर थे। सामान्य तरीके से कपल कैसा होता है आपकी दुनिया में? मेड फॉर ईच अदर, बट श्रीपाल और मैणा नॉट मेड फॉर ईच अदर। मैणा कोई उमर राणा के लिए बनी नहीं थी, उमर राणा के लिए कोई मैणा का प्रोडक्शन कर्म महासत्ता ने किया नहीं था। हाँ, इसलिए नॉट मेड फॉर ईच अदर श्रीपाल मैणा, बट लीव ए मेड फॉर ईच अदर। बने नहीं थे एक दूसरे के लिए, लेकिन जिए एक दूसरे के लिए। हाँ, ये श्रीपाल और मैणा की कमाल है, बने नहीं थे। देखो, मैणा राजकुमारी और श्रीपाल भिखारी। क्या था श्रीपाल के पास? भिखारी था, इसलिए राजकुमारी मैणा भिखारी श्रीपाल, पढ़ी लिखी मैणा अनपढ़ श्रीपाल, निरोगी मैणा रोगी श्रीपाल, मां बाप वाली मैणा अनाथ श्रीपाल, राजमहल में पनपने वाली मैणा और जंगलों में भटकने वाला उम्र राणा। और ये उम्र राणा और ये मैणा, उसके बीच में कैसे कैसे हार्मनी तैयार हुई, मैं दांपत्य जीवन को सेंटर में रखकर ये श्रीपाल और मैणा का जीवन को संगीत के साथ, बीच में संगीत चलेगा, जैसे मुरारी बापू राम कथा करते हैं, भागवत सप्ताह चलती है, संगीत के साथ चलती है, वैसे श्रीपाल और मैणा की कहानी विथ म्यूजिक आज संगीतकार आ जाएंगे। आ गए होंगे, फोन तो मिलेंगे। और वो विनय विजय जी महाराज का जो श्रीपाल का रास है, उस रास को लेकर विनय विजय जी महाराज ने श्रीपाल और मैणा का जीवन के ऊपर जो अपनी कवित्व शक्ति को चलाई है। विनय विजय जी महाराज भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, जिन्हें शासन के बहुत जबरदस्त हस्ती थी। और इस विनय विजय जी महाराज ने जब श्रीपाल और मैणा का जीवन के ऊपर अपना कवित्व को फोकस करने का सोचा होगा तो उनके जीवन में कुछ होगा। इसलिए मैं आज थोड़ा आपके समक्ष ये मेनू कार्ड रख देता हूं, कल से मैं 100 करूंगा, लेकिन मेरी मेनू में आइटम क्या है वो थोड़ी आपको पता लग जाए। हाँ, और इस मेनू कार्ड के हिसाब से मैं बोलते जाऊंगा उसको कितना स्पाइसी बनाना, कितना सॉफ्ट बनाना, वो सब मेरे पे छोड़ दो, मैं 5-स्टार का चेफ हूं। हाँ, सब कुछ मुझे आता है, हाउ टू सर्व, हाउ टू कर डेकोरेट, सब आता है। हाँ,
और डेकोरेशन चलते जाता है कि जिस जिसके हिसाब से आइटम तो सेम होती है, डेकोरेशन की कीमत होती है। काजू कतरी बिना कटी हुई भी आप दे सकते हो और काट कर भी दे सकते हो, उसके ऊपर बरक लगाए भी दे सकते हो, बिना बरक भी दे सकते हो, दे सकते हो। जितना आप डेकोरेशन करते जाओ उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाती है। वैसा मैं भी डेकोरेशन के साथ, हाँ डेकोरेशन के साथ, रॉ मटेरियल एक ही है, डेकोरेशन उसके साथ है, और इसलिए मैं आपको कहता हूं आपको जितने दिन मिले हैं उतने दिन, जो भी मिला उस दिनों को आप आपकी ऑफिस का टाइम को लेकर के आपका ऑक्यूपेशन को थोड़ा मैनेज करके मस्ट कम अवश्य आना है, अवश्य आना है। सुनना वो भी अपनी आर्ट है, कला, और इस कला के साथ यदि हम इस बातों को सुन लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक बात समझ के रखो, दिल से सुनते हो तो दिमाग में सेव हो जाते हैं, कान से सुनते हो तो निकल जाते हैं, दिल से सुनते हो तो सेव हो जाता है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेव हो जाते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा आना, एक घंटे के लिए सुनना, अरे सुनने के साथ आपके दिमाग में ये बात उतर जाएगी, प्रभु की ये बात है और परमात्मा का ये सामर्थ्य है। प्रभु ने अपने जीवन में जो घोर साधना की है, मैं बात चंड कौशिक की बता रहा था, अरे चंड कौशिक जब अपनी आंखों की आग से महावीर को डिस्टर्ब नहीं कर पाया, महावीर को परेशान नहीं कर पाया, महावीर को संतप्त नहीं कर पाया, महावीर को चलित नहीं कर पाया, तब चंड कौशिक और ज्यादा आवेश में आता है और महावीर की करीब में जाता है। दूर से आग छोड़ रहा था, दूर से आंखों में आग थी, नजदीक जाने की जरूरत नहीं थी, और एक ही बार आग छोड़ता है, सामने वाली व्यक्ति, सामने वाला तत्व जल कर खत्म हो जाते थे। लेकिन चंड कौशिक के लिए पहला अनुभव है, मेरी आंखों की आग ने इसको कुछ नहीं किया, और इसकी वजह से चंड कौशिक और ज्यादा आग बबूला बनता है। क्या समझ रखा है इसने, क्यों कुछ होता नहीं है, और चंड कौशिक करीब में जाता है, फुत्कारता हुआ करीब में जाता है, देखता है अगेन कुछ नहीं, और परमात्मा के अंगूठे को काटता है। जस्ट रियलाइज, इमेजिन करो, मच्छर काटता है तो क्या होता है, आपको क्या होता है, मच्छर काटता है तो क्या होता है, उड़ाने का मन होता है कि रखने का मन होता है, काटा नहीं सिर्फ आकर बैठा, हाँ मच्छर आकर बैठता है और हम फौरन उसको उड़ा डालते हैं, पकाते हैं, और महावीर को चंड कौशिक मच्छर नहीं है, कौन है, सांप भी कौन, कोबरा नाग है, पीथियन से भयानक है, और वो चंड कौशिक महावीर को काटता है। सामान्य तरीके से सांप काटता है तो इंसान अपना पैर पीछे खींच लेता है, लेकिन इधर उल्टा हुआ, इंसान ने तो अपना पैर वहीं पर रखा, चंड कौशिक पीछे भागा। सांप नहीं भागता है, इंसान पीछे भागता है, हाँ पीछे भागता, अपना पैर हटा लेता है। इधर
महावीर ने अपने दोनों पैर वहीं पर भी रखा है, सिर्फ चंड कौशिक पीछे हटता है। शायद ये आदमी को जहर चढ़ जाएगा और फौरन गिर जाएगा, मेरे पे गिरेगा और परमात्मा महावीर की 7 फीट की हाइट, अबव 70 kg का वजन मेरे पे गिरेगा तो मैं कुचल कर खत्म हो जाऊंगा, मुझे नहीं कुचलना है। और पीछे जाता है और परमात्मा महावीर को देखता है। ये बात को थोड़ा इमेजिन करो, क्या महावीर की आंखों में से करुणा बहती होगी, क्या बहता होगा, कितनी दया, कितना प्यार। और चंड कौशिक के सामने परमात्मा देख रहे हैं और वो देखने के साथ चंड कौशिक भी महावीर की आंखों के सामने देख रहा है। ये क्या प्रसंग, अभी लंबा नहीं चलाना है नहीं तो 1 घंटा उसमें चला जाएगा। सुना हुआ प्रसंग है लेकिन उसके पास पीछे का जो रहस्य है बहुत महिमाशाली है। और ऐसे परमात्मा ने जिन शासन की स्थापना किया है, किसके लिए किया है, खुद के लिए नहीं, भगवान को क्या करना है जिन शासन के लिए, क्या काम है, अपना काम तो संपूर्ण हो गया है। इसलिए प्रभु ने जिन शासन की स्थापना खुद के लिए नहीं, किसके लिए किया, हमारे लिए किया, फॉर अस, नॉट संग फॉर मी, अपने लिए, अपने लिए। मां घर में रसोई 10 लोगों की बनाती है लेकिन बेटा कहता है कि मां ने मेरे लिए रसोई बनाई, पति कहता है कि मेरे लिए रसोई बनाई, ससुर कहते हैं मेरे लिए रसोई बनाई, हाँ सब कहते हैं बनाई थी 10 के लिए, सबको लगता है मेरे लिए। वैसा प्रभु ने बनाया था संघ के लिए लेकिन इधर बैठने वाले सबको ऐसा लगना चाहिए मेरे लिए प्रभु ने शासन बनाया है, ये मेरा शासन है, ये मेरा धर्म है, ये मेरे पास आया है और मेरे पे प्रभु ने कृपा किया है, कृपा किया है, मेरे लिए प्रभु ने शासन बनाया, मुझे मेरे लिए मीन्स मुझे बचाने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मुझे सुरक्षित रखने के लिए परमात्मा ने यह शासन की स्थापना किया। और यह परमात्मा का शासन चलाने के लिए संघ बना, संघ को चलाने के लिए सब आराधना बनी और उसमें कल से शाश्वत धर्म की आराधना का आरंभ हो रहा है। चैत्र महीना है और चैत्र शुक्ल सप्तमी से लगाकर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक 9 दिन तक परमात्मा ने नवपद भगवान की आईमिल की बोली बताई और 4.5 वर्षे ये तप पूरो, ये तप कर्म विदारण, ये तप सूरो, और ये तप जो 4.5 साल में समाप्त होता है वो कल से शुरू हो रहा है। मैं आप सबको कहूंगा हो सके तो सब एंगल करो लेकिन सबकी ताकत न हो, एंगल करने की सबकी ताकत न हो सकता है। एंगल का खाना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा पराक्रम है। कल ही मैं डॉक्टर के पास गया था कुछ चेकिंग के लिए और डॉक्टर साहब जैन थे, आरके जैन, और उनके पास गया था, उनके साथ बात कर रहा था। मुझे बोले महाराज साहब कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, आपको प्रोटीन्स लेना चाहिए, फैटी आइटम से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और फिर मुझे कहा डॉक्टर ने, कहा डॉक्टर महाराज साहब आईमिल का खाना 100% प्रोटीन का खाना है, 100% जिसमें प्रोटीन्स ही आते, नो फैट, ओनली प्रोटीन्स। शरीर के लिए फैट डैमेज करती है, प्रोटीन्स सर्वाइव करता है।
प्रोटीन्स चाहिए, फैट नहीं चाहिए। और हम जो दूध दही घी गोल वगैरह खाते हैं उसमें फैट है, प्रोटीन नहीं। कौन कहते हैं घी खाने से ताकत आती है? कौन कहते हैं? घी खाने वाले को कोलेस्ट्रॉल होता है, नहीं खाने वाले को ताकत मिलती है। गलत फहमी को दूर करो, इसलिए मैं कहूंगा प्रत्येक व्यक्ति आई मिल की आराधना करे। नहीं हो सके, होता है भाई, नहीं होता है। चाय की आदत है, 120 का मावा के बिना चलता नहीं। टबेको या शिकार के साथ हमारी शादी हुई है, उसको कैसे छोड़े? और ऐसे लोगों के लिए आई मिल कठिन है, ओके छोड़ दो, लेकिन इस धर्म की आराधना में एक चीज पकड़ के रखो, प्रवचन का श्रवण कंपलसरी करना है। और मैं कोई ज्यादा दिन नहीं हूं, और इसमें भी कुछ डिवाइडेशन है, इसलिए आपके लिए 5 दिन है, 4 दिन और किसी के लिए, और ऐसा करके अपनी होली 2 पार्ट में चलने वाली है। और इस 2 पार्ट में चलने वाली इस होली को लेकर पहले 5 दिन 3, 4, 5, 6 और 7 ये 5 दिन अपना प्रवचन इधर रहेगा, बाकी के 4 दिन कहां होगा? काचीगुड़ा। और बाकी के 4 दिन काचीगुड़ा में ये प्रवचन रखा है। आराधना भवन जैन संघ ने बहुत बड़ी उदारता प्रकट किया है, नहीं तो कोई ऐसी उदारता प्रकट नहीं करते। 9 दिन मिला है तो 9 दिन हम ही रखेंगे, क्यों कौर को देंगे? लेकिन आप लोगों की उदारता की मैं हृदय से सराहना करता हूं। और 4 दिन 8, 9, 10, 11 और 12 का तो पारना है ही, तो इस पारना इसलिए 5 दिन उधर और 5 दिन इधर, ऐसा करके दोनों ठिकाने के ऊपर विषय एक ही रहेगा, प्लेस बदल जाएगा। हाँ, टेस्ट मैच का सेंटर बदल जाता है, टेस्ट मैच सेम रहती है, टीम सेम, हाँ टीम भी सेम रहती है, टेस्ट मैच भी सेम रहती है। हाँ, इसलिए तो टीम में तो आपको आना पड़ेगा, कैप्टन सेम रहेगा, टीम अलग हो जाएगी। ऐसा मत करना। और इसलिए कल से अपना इधर प्रवचन का आरंभ होगा। कितने बजे का टाइम रखा है? सवा नौ।